तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय येट अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग मैंने कॉलेज आके स्टार्ट किया है। आज यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं है, वैसे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो लोग बच्चे कम ही आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास में, यार धूप भी पूरी मुँह पे बज रही है सीधी। क्योंकि यूनिवर्सिटी में लॉग करने में बहुत शर्म आती है, पर आज कोई नहीं तो मैं आज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यार आज तो यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं आया, मेरे को ऐसा लगा कि मैं आज छुट्टी तो नहीं है, मैं ऐसे ही आ गया। वैसे मेरे को भी यहाँ पे बैठे बैठे 2 घंटे हो गए हैं, और मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया था कि यहाँ तू यूनिवर्सिटी आ जाए, देखो सर बुला रहे हैं। मेरे को बुला के वो खुद ही नहीं आए, ना ही क्लासरूम खुला हुआ, वो भी क्लासरूम में ही लॉक लगा हुआ। वही ये देख, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे को कॉलेज बुला के मेरे दोस्त ने मेरे को कहा कि तेरे को सर बुला रहे हैं कॉलेज। तो मैं कॉलेज आया, ये देखिए गाइस, क्लास में खुद कोई भी नहीं आया। इट्स बीन 10 AM, 10 बज गए हैं, मैं 9 बजे का इधर आया हूँ। पहले तो क्लासरूम ही नहीं खुला था, जब क्लासरूम खुला है पक्का वहाँ पर लगा है। जब क्लासरूम होगा रूम खुला था तो कोई आया ही नहीं है। ये रात ही नीचे हो रहा, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। खुद ये 5-5 किलोमीटर दूर रहते हैं, जब जी चाह तब आ जाते हैं। और मैं 35 किलोमीटर दूर आता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से, रोज़ अप डाउन करता हूँ। और मैंने 2 दिन छुट्टी मारी और मेरे को जोर जोर बोल रहे हैं आज छुट्टी है गाइस। तो मेरे को ऐसे कह रहे हैं कि आज कॉलेज लगा है तू आ, मैं आया तो आज कोई भी नहीं है, और मेरे को फिर से घर जाना पड़ेगा। अब इस वक्त एक भी बंदा आ गया ना जिसने मेरे को कॉल, मेरे को 5 लोगों ने कॉल किया है, 5 दोस्तों ने कि आज तू कॉलेज आ, तेरे को सर बुला रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, तू आ सुबह सुबह। मेरा आने का कोई इरादा नहीं था, एक भी बंदा मिल गया ना तो गाइस आप देखना उनका क्या हाल करूँगा मैं। यार दिस इज़ नॉट फेयर, मैं नहीं करता किसी के साथ ऐसा भी कि तू आ कॉलेज, आप खुद आओ ही नहीं किसी को बुला के, इट्स सो बैड। वैसे बैठे बैठे मैं बोर हो गया था और मेरे मन ने एक अच्छा सा चुटकुला है, मैं आप सभी को सुनाता हूँ। एक बार एक मछली और सांप में लड़ाई होगी कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो दोनों लड़ते लड़ते शेर के पास पहुँचे, बहस करते करते, और शेर ने बोला कि तुम दोनों में से जो भी पंजा कॉम्पिटिशन लगाओ, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा ना पंजा कॉम्पिटिशन में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, वो ज़्यादा ताकतवर होएगा। तो गैस करो कौन जीता, मछली और सांप में पंजे का कॉम्बिनेशन लगाओ, कौन जीता गैस करो। कोई भी नहीं जीता गाइस, ना पंजा मछली का है और ना पंजा सांप का है। क्लास में अकेला बैठा बैठा मैंने सोचा थोड़ा सा काम ही कर लेते हैं जो मेरा पेंडिंग वर्क रहता था। तो हमें सॉलिड वर्क का प्रोजेक्ट मिला हुआ है पूरी क्लास को, और एक एक इंडिविजुअल को एक एक बिल्डिंग का सर सबसे पहले मुआयना करना होता है, मेज़रमेंट करके उसको ऑटोकैड लैब में बना के सॉलिड वर्क में थ्री डी प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है। एक तो मैं सुबह उठा, 6 बजे उठा, आज मैं ऐसे मैं 8 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठा, नहा धो के कॉलेज आया, खाना भी नहीं खा के आया कि आज पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट कॉल है जो मेरे को सर ने बुला लिया है। तो आगे आया ना सर आए हुए, ना मेरे होनहार मित्र। यार इट्स सो हार्ड टू डू व्लॉगिंग इन फ्रंट ऑफ अराउंड 3000 पीपल। तो मैं एक बंदा जो 100 लोगों के 2 लोगों के सामने सेल्फी तक नहीं लेता, वो 100 लोगों को 200 लोगों के सामने व्लॉगिंग कर रहा है आप लोगों के लिए और अपने लिए भी। हाँ तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आप 3 घंटा खज्जल होने के बाद मैं जा रहा हूँ अभी 1 बज गए घर पे। सर आए थे पर क्लास में कोई नहीं आया था, आज मैं अकेले क्लास लगाई, अभी घर पे जा रहा हूँ। बहुत दिमाग ख़राब किया भाई इन लोगों ने, इनको मैं कल बताता हूँ। चलो एनीवे मिलता हूँ घर पहुँच के। We keep seeing the eyeballs glued to us on the sidewalk, but that look could kill. कॉलेज से घर आके मैं 3 घंटे सो गया था, 3 ही इनफैक्ट 4 ही घंटे सोया हूँ मैं आज, मेरे को ऐसा लग रहा। हाँ लग क्या रहा। तो अभी मैं जा रहा हूँ धाम खाने, धाम।
few inches later. ये कैसी हरी सी लाए हो? है अंदर बाहर से हरी है पर अंदर से मीठी है ये है? हाँ हाँ खाते याद आया कि लड्डू को तो दी नहीं हमने लीची। लड्डू का याद ही भूल गया था माँ जी, लीची का भोग लगाना लड्डू को देना। दाम खाने के बाद मैं फिर से सो गया था और मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ, ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ और ब्लॉग को एंड नहीं करता। तो मेरे को याद आया कि मैंने ब्लॉग तो आज एंड ही नहीं किया। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।